जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, भाग के एग्जांपल तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे होंगे कि मैं आपको इन एग्जांपल से भाग करना पूरी अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ। यदि आप लोग ये भाग और ये भाग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों भाग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले भाग जो कौन सी है, वो हमें 2 से भाग देना 864 को। तो हम इसको भाग देने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इधर की पूरी संख्या नहीं देखेंगे जब हमें भाग करना होता है इन संख्याओं को। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या, वो कौन सी है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कौन सी है, 2 है। अब हमें इन दोनों संख्याओं में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इसमें से संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोग कहोगे कि सर इसमें से 8 बड़ी है और 2 छोटी है। अब ये वाली संख्या इधर वाली संख्या बड़ी है और ये हमेशा बड़ी हुई होनी चाहिए, अगर ये संख्या छोटी रहेगी तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो ये बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, आप 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 चक्कू 8, आ गया ना 8, आ गया 8 है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 चक्कू 8, 4 बार हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो 8 आया है। अब 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा है तो 4 तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जितनी बार आप लोग पहाड़ा पढ़ेंगे उतना हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना आएगा, जिससे 8 आया है ना, जितना भी यहाँ पर आया उतना हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी आप भाग में कोई गलती नहीं करेंगे, वरना आप गलती करते रहेंगे। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद आपको इसमें से इसको माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 8 में से 8 को जो हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचता तो हम इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हम उतारेंगे अब अगली संख्या। अब अगली संख्या इसलिए उतारेंगे क्योंकि हम इस फिर भाग देंगे किसको, तो भाग देने के लिए हमने 6 को अगली संख्या को यहाँ पर उतार लिया। अब जैसे ही हमने 6 को उतारा, अब इन दोनों संख्याओं में हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये संख्या बड़ी होनी चाहिए तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। अब ये बड़ी संख्या, तो हम क्या करें, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, आ गया 6। तो हम क्या करें, 2 बार 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 6 आया है तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं, 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इस तरीके का चिन्ह फिर से यहाँ पर लगा देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उतारेंगे फिर से अगली संख्या, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं अब, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो 4 ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 2। 2 का पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा, 4 आ गया, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 4 आया है तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से इसको कर लेंगे माइनस, 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इस तरीके से हमने एक भाग को तो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी भाग की तरफ। तो हमें 3 से भाग देना है 968 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहली संख्या वो कौन सी है, 9 है और यहाँ पर है 3। तो हम क्या करें, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, आ गया ना 9। कितना कितनी बार पढ़ा पड़ा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा। अब 3 बार पढ़ा पड़ा है, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जितना आया है 9 आया है, तो 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं, 9 में से 9 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हम उतारेंगे अगली संख्या, वो कौन सी है, 6। अब 6 को हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया 6। कितनी बार पढ़ा पड़ा हमने, 3 का 2 बार, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना आया है, 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं, 6 में से 6 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, अब उतारें अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो उतार लेते हैं अगली संख्या। 8 को हमने उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते। और 8 आया नहीं है 3 के पहाड़े में, तो इसको भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे जो इसके पास में हो। तो कौन सी है, 6 है। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा, तो 2 फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो 6 आया है ना, तो 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं, 6 8 में से 6 को घटाएंगे तो
दो बचेगा। अब यहाँ पर जो दो बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा हुआ है? हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, इन दो भागों को भी देख लेते हैं। तो हम आपको इस दो भागों से समझाना चाहते हैं कि भाग आप कर कैसे सकते हैं। तो उन दो एग्जाम्पलों को तो हमने समझ लिया, तो हम इसको भी समझ ही लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 12 है और हमें गुणा किससे, मतलब भाग किसको देना है, 51 84 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या देखेंगे। कौन सी है सबसे पहली संख्या? यहाँ पर है 5। कौन सी है? 5 है। और इधर है 12। तो इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 12 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, जब एक संख्या छोटी रह जाती है तो फिर देते हैं दो संख्याओं को। जब हम दो संख्याओं को लेंगे तो संख्या बन जाएगी 51। तो अब हम क्या करेंगे, 12 का पाठ इतनी बार पढ़ेंगे कि 51 आ जाए या 51 से कम आ जाए, लेकिन 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 चकू 48 और 12 पंचे 60। तो 60 तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे, वो कौन सी, 48, क्योंकि 51 भी नहीं आया है। तो 48 कितनी बार में आएगा, तो 12 चकू 48 चार बार में आएगा। तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो 48 आया है ना, तो 48 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। आप क्या करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे, इसमें से इसको करेंगे माइनस करते हैं। तो एक में से 8 घटेगा ना, क्योंकि एक छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या है। अब इसको घटाने के लिए 10 लेंगे हासिल। हासिल कितने का मिलता है, 10 का। तो 10 का हासिल लेंगे और एक यहाँ पर था पहले से, 10 और एक कितना हो जाएगा, 11। अब 11 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर आप लोगों को घटाना भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 5 था, इधर हमने हासिल दे दिया, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12 है, तो ये छोटी संख्या, इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या। कौन सी है, 8। तो 8 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 38। तो हम क्या करेंगे, अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ देंगे कि 38 आ जाए, 38 से कम आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 4 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 3 बार पढ़ेंगे, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 36 जो आया, 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, लिख लिया हमने 2। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर है 12। तो इसको बड़ी संख्या बनाने की क्या करेंगे, अगली संख्या को उतार लेंगे। कौन सी है, 4 को हमने उतार लिया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बनेंगे, 24। अब क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, आ गया 24। कितनी बार में आया, 2 बार पहाड़ा पर, 2 हम बार पहाड़ा पर, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 24 जो आया है, तो 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये 3 भाग को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 3 भागें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ आपकी। ठीक है, क्या है हमारे पास, 18 से हमें भाग देना 77 80 को। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है, 7। यहाँ पर 18 है, तो क्या करेंगे, फिर छोटी संख्या रह गई ना, तो लेंगे दो संख्याओं को। जैसे ही हमने दो संख्याओं को यहाँ पर लिया तो संख्या बन गई 77। तो अब हम 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 77 आ जाए या 77 से कम आ जाए, लेकिन 77 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 और 18 चकू 72 और 18 पंचे 90। 90 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं, मैंने आपको बता ही रखा है। 77 आया नहीं, तो इससे कम वाली संख्या लिखेंगे, वो कौन सी है, 72। 72 कितनी बार में आएगा, तो 18 चक्कू 72 चार बार में। तो चार बार में आएगा, 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 72 जो आएगा, तो 72 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। 7 में से 7 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 18, तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या। कौन सी है, 8। जैसे ही हमने 8 को उतारा तो संख्या बन गई 58। तो क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 58 आ जाए, 58 से कम आ जाए, लेकिन 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 बार पढ़ेंगे ना, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 54 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 8 में से 4 को जाएगा, 4 को घटाएंगे, 4 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 18, तो हम अगली संख्या को फिर से यहाँ पर उतार लेंगे। तो अगली संख्या हमारे पास थी, तो 0 थे, 0 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए, 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि 18 तिहाई 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 दो बार हमने यहाँ पर लिख लिया 2 को। ठीक है, अब जो 36 आया, तो 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, करते हैं। चलो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 10 लेंगे हासिल। यहाँ पर 10, 10 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 4 और यहाँ पर 3 ही बचेगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये 4 बचा है ना,
यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा हुआ है हमारा? शेषफल बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।